आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट वन ऑफ BHUMSC बॉटनी इंट्रांस पेपर 2018। इससे पहले हम 2019 और 20 का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन, अ लाइफ साइकिल इन विच डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट इज नॉन एज। तो ऐसा लाइफ साइकिल जिसके अंदर स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज होती है उसे कहते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री। क्वेश्चन नंबर टू, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट इज फाउंड इन। तो फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट पाए जाते हैं ब्राउन एल्जी के अंदर और फायोफाइसी में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर थ्री, साइनजोस्पोर। तो साइनजोस्पोर मल्टी फ्लेजलेट कंपाउंड जोस्पोर्स होती हैं और ये पाए जाती हैं वचीरिया के अंदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर फोर, स्लीमी एंड स्लिपरी नेचर ऑफ नॉस्टॉक इज़ ड्यू टू द कवरिंग ऑफ। तो नॉस्टॉक की जो स्लीमी और स्लिपरी नेचर है ये म्यूसलेज की कवरिंग की वजह से होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हेन द इंटायर बॉडी ऑफ अ फंगस इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज होलोकार्पिक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अ फ्लास्क शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइकोटीना। तो एस्कोमाइकोटीना की जो फ्लास्कड शेप फ्रूटिंग बॉडी है उसे पेरिथीशियम कहते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर सेवन, द फ्लैजिला ऑन द जूस्पोर्स ऑफ एल्ब्यूगो आर। तो फ्लैजिला जो जूस्पोर्स एल्ब्यूगो के जूस्पोर्स पर होती हैं वो दो होती हैं, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। तो इट्स मीन दोनों अनइक्वल होते हैं और लेटरल होते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू। क्वेश्चन नंबर एट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन मोल्ड। तो पेंसिलियम को ब्लू ग्रीन मोल्ड कहते हैं क्योंकि इसके जो स्पोर्स होते हैं वो ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड रेंडियर मॉस। तो क्लेडोनिया जो है वो एक फ्रूटिकोस लाइकेन है, इसे रेंडियर मॉस कहते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर टेन, एस आर कश्यप इज़ अ साइंटिस्ट फेमस फॉर ही इज़ नॉन फॉर वर्किंग इन बायोलॉजी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर अलेवन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ रिशिया इज़ एक्वेटिक। तो रिशिया फ्लूटियंस जो है ये एक्वेटिक स्पीशी है रिशिया की। करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, एयर कैविटीज़ इन द कैप्सूल ऑफ मोस आर पार्टीशनड विद डेलिकेट स्ट्रैंड ऑफ सेल्स विच आर कॉल्ड एज ट्रैबिक्यूले। तो जो मोस का कैप्सूल है उसके अंदर एयर कैविटीज़ होती हैं जिनके अंदर कंपार्टमेंट्स बने होती हैं या पार्टीशनिंग की हुई होती है विद डेलिकेट स्ट्रैंड ऑफ सेल से, और इनको नाम देते हैं ट्रैबिक्यूले। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, द गेमेटोफाइट ऑफ मोस इज़। तो मोस की गेमेटोफाइट को प्रोटोनीमा कहती हैं, ये एक तरह की हैप्लॉइड जनरेशन होती है। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ पिथ। तो प्रोटो स्टील मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील हैं और इनके अंदर जो पिथ है वो नॉर्मली एब्सेंट होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉसिल। तो राइनिया जो है वो एक फॉसिल प्लांट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू। क्वेश्चन नंबर 16, गेमेटेंगिया ऑफ फर्न्स आर प्रोड्यूस। तो फर्न्स के जो गेमेटेंगिया है वो प्रोथेलस पर प्रोड्यूस होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड वॉकिंग फर्न। तो एडिएंटम को वॉकिंग फर्न कहते हैं क्योंकि इनके लीव्स जिस जगह पर भी सॉइल को टच करते हैं वहाँ से एक नया एडिएंटम प्लांट डिवेलप हो जाता है, तो इसलिए इन्हें वॉकिंग फर्न कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, द एंजाइम दैट इज़ इन्वॉल्व्ड इन फीडबैक इनहिबिशन। तो फीडबैक इनहिबिशन में एलिस्टेरिक एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो एंजाइम का प्रोडक्ट होता है वही उस एंजाइम के सेक्रेशन के लिए इनहिबिटर का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 19, ट्राईमेरोस फ्लावर्स सुपीरियर ओवरी एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन।
तो ट्राईमेरोस फ्लावर्स प्रोमिनेंटली पाए जाती हैं लिलिएसी फैमिली के अंदर, और इसके साथ इसमें सुपीरियर ओवरी और एक्साइल प्लेसेंटेशन भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, राइस फ्रूट इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो राइस फ्रूट एग्जांपल है कैरियोप्सिस की, ये एक तरह का वन सीडेड ड्राई फ्रूट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21, पेंटोजाइलॉन वाज डिस्कवर्ड बाय बिरबल सैनी फ्रॉम। तो पेंटोजाइलॉन को बिरबल सैनी ने डिस्कवर किया था बिहार यानी राजमहल हिल से। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 22, फ्लोरल बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। तो फ्लोरल बर्ड्स जो है वो टेंड्रिल के अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं एंटीगोनॉन के अंदर, जो एक तरह का फ्लावरिंग प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 23, पेरिस्पर्म इन सीड डिवेलप फ्रॉम। तो सीड की जो पेरिस्पर्म है वो डिवेलप होती है न्यूसिलस से, और ये एम्ब्रियो को सराउंड के होती है और उसको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 24, मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डिवेलपमेंट इज फाउंड इन। तो ओइनोथेरा के अंदर जो है वो एम्ब्रियो सैक मोनोस्पोरिक टाइप की होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 25, डिप्लोजाइलिक वस्कुलर बंडल्स इज फाउंड इन। तो डिप्लोजाइलिक वस्कुलर बंडल जो होते हैं वो कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेट्रल एंड ओपन टाइप के होते हैं, और ये पाए जाते हैं साइकस के लीव्स के अंदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 26, स्टाइलोपोडियम इज फाउंड इन द फैमिली। तो स्टाइलोपोडियम बेसिकली एक स्वेलिंग है जो कि स्टाइल की बेस पे पाई जाती है, और ये फैमिली एपिएसी के अंदर मोस्टली पाई जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 27, बिटालिन्स आर प्रेजेंट इन द फैमिली। तो बिटालिन जो है वो रेड और येलो पिगमेंट होते हैं जो कि फैमिली कैक्टियसी के अंदर पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 28, द रीजन डक्ट ऑफ अ जेमनोस्पर्म स्टेम इज एन एग्जांपल ऑफ। तो जेमनोस्पर्म स्टेम की जो रीजन डक्ट होती है वो एक तरह की शाइजोजीनियस कैविटी है, या इसे हम इंटरसेलुलर स्पेस भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द विंग ऑन द सीड ऑफ पाइनस इज डिवेलप्ड फ्रॉम। तो पाइनस की जो सीड पे विंग होती हैं वो ओव्यूलीफेरस स्केल से डिवेलप होती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 30, द ओव्यूलीफेरस स्केल्स ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ मेगास्पोरोफिल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1।